नेबोलिना और रश्मि की निशानी पर आए विशाल और प्रतीक। नेबोलिना और रश्मि का फूटा विशाल और प्रतीक पर गुस्सा। क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वीकेंड के वार के मौके पर सलमान खान घर वालों को जहां पर फटकार लगाते हैं, चेतावनी भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वीकेंड के वार पर जब नेबोलिना और रश्मि देसाई की एज अ चैलेंजर एंट्री हुई तो उनसे महेश मांजरेकर ने पूछा कि आप जो है सबसे पहला शिकार किसे बनाना चाहेंगी, जहां पर नेबोलिना जो है विशाल कोटियन का नाम लेती है। और नेबोलिना जैसे ही विशाल का नाम लेती है वैसे विशाल हैरान हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है नेबोलिना जमकर पड़ती है विशाल पर और अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आती है। और इतना ही नहीं, नेबोलिना विशाल के बारे में कहती है कि वो जो है बिन पेंदी का लोटा है, इधर उधर की बातें करते हैं और उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। और साथ ही यहाँ पर जो है वीकेंड के वार पर आप देखने वाले हैं नेबोलिना और विशाल के बीच में बड़ी बहस होने वाली है, क्योंकि विशाल भी आपको पता है कि किस तरह से वो अपने लिए मुद्दे रखते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि रश्मि देसाई जो है वो नाम लेती है प्रतीक सहजपाल का और कहती है कि प्रतीक जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो शो में बेतुकी बातें करता है, बेवजह लड़ाई झगड़ा करता है कंटेंट देने के लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रश्मि की बात सुनकर जहाँ पर एक तरफ घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं तो वहीं प्रतीक जो है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, प्रतीक इन दिनों शो में छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके गेम को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रश्मि देसाई को प्रतीक का गेम ही पसंद नहीं आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, रश्मि देसाई की बात से आप कितने ज्यादा अग्री करते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और बिग बॉस 15 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।